Hello everyone. Welcome to YouTube channel. आज के सेशन में बहुत बहुत ही ही करेंगे का है यहां पर हम जो NCT बनी थी उसके क्या रहे हैं अगर हम आर्टिकल टू थर्टी ए ए की बात करते हैं उसमें क्या प्रोविजन है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी हैं दैट इज सर्विसेज के रिगार्डिंग वो हम जानने की कोशिश करेंगे

ओवर सर्विसेज यहां पर यह कहा गया है दैट दी स्टेट गवर्नमेंट हैज टोटल कंट्रोल ओवर दी सर्विसेज सो यहां पर एलजी का कोई भी रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा सो so, काफी बड़ी गाइडलाइंस है काफी ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर फेवर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को राइट सो लेट्स सी सारा इशू देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्यों था सो द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड इन फेवर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ हु कंट्रोल्स द ब्यूरोक्रेसी अब ब्यूरोक्रेसी में आईएएस आईपीएस आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखते हैं अब ये कंट्रोल कौन करेगा एलजी कंट्रोल करेगा या फिर यहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि यहां पर जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ही कंट्रोल करेगी दैट इज ब्यूरोक्रेसी इन दी एनसीटी

राइट सो अगेन एक्सेप्ट फॉर पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड ये आपको पता ही है अगर हम एनसीटी की बात करते हैं सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इनके पास लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं एक्सेप्ट तीन चीजें वो तीन चीजें कौन सी हैं नंबर वन पब्लिक ऑर्डर नंबर टू दैट इज पुलिस एंड नंबर थ्री इज लैंड राइट सो दिस इज वाई इट वॉज इन न्यूज अब इशू क्या था वो हम देख लेते हैं सो आप देख सकते हैं द इशू इन द केस इज वेदर द गवर्नमेंट ऑफ एन सी

राइट हुटेड टू डेली बाई द यूनियन ऑफ इंडिया कम अंडर दिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एन सिटी ऑफ डेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये आपके आई एस आई पी एस हैं इनको लगाता कौन है यूनियन गवर्नमेंट लगाती है अब अगर ये डेली में काम कर रहे हैं तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास होगा दैट इज गवर्नमेंट ऑफ डेली

सर्विसेज किसके अंडर आएंगी तो वो हमने मेड किया है bench, right? so 2021. So act, act गया था, उसके रिलेटेड हम एक एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे आज सो so ये जो अमेंडमेंट लाया गया था इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है सेंटर के अगेंस्ट गई थी कि ये जो आप अमेंडमेंट लेके आए हैं जिसमें आपने ओवर पावर कर दिया है किसको एल जी को तो यहां पर इसी के इशू के रिगार्डिंग जो डेली गवर्नमेंट है वो कहा गई थी सुप्रीम कोर्ट राइट सो विच लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डेली विल एम्प्लाई दी लेफ्टिनेंट गवर्नर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था उस अमेंडमेंट एक्ट में डेली गवर्नमेंट की सारी ही पावर्स ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी और यहां पर यह कहा गया था कि अगर कहीं भी लॉ में कहीं भी गवर्नमेंट वर्ड यूज किया गया है इट डायरेक्टली इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट से हम किसकी बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की राइट right. सो so, इसीलिए ये इश्यू गया था दिल्ली गवर्नमेंट यहां पर गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी है कि अगर हम सर्विसेस की बात करते हैं तो सर्विसेस का कंट्रोल किस पे रहेगा दैट इज डेली राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट ना वॉट इज दी वर्डिक्ट देख लेते हैं रूलिंग इन डेली गवर्नमेंट फेवर दी एस सी हेल्थ लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल बी बाउंड बाई डिसीजन ऑफ द डेली गवर्नमेंट ओवर सर्विसेज सो अगर हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बाउंडेड रहेगा किससे बाउंडेड रहेगा दैट इज डिसीजन ऑफ दी गवर्नमेंट से सो so, यहां पर ओवर पावर कर दिया है अगेन ओवर पावर किसको दी है डेली गवर्नमेंट को यहां पर पावर दी है अपार्ट फ्रॉम पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड सो अगर हम पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड की बात करते हैं एक्सेप्ट इसके सारी पावर्स किसके पास रहेंगी डेली गवर्नमेंट के पास रहेंगी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेंगी बाकी अगर हम इन तीन की बात करते हैं तो ये पावर्स कौन एक्सरसाइज करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्सरसाइज करेगा राइट right? disagreeing with the center which argued that the constitution is a federal constitution where it has a unitary bias. देखिए अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं क्वाज़ी फेडरल राइट क्वाज़ी फेडरल का मतलब क्या है

राइट सो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेंटर है उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट क्या दिया था कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल स्ट्रक्चर तो इंक्लूड करता है लेकिन यहाँ पर यूनिटरी बाइस है जिसकी वजह से हमने जो गवर्नमेंट वर्ड यूज किया है उसमें पावर्स किसको दे दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को राइट right. नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगर जो सुप्रीम कोर्ट है इट स्टेटेड दैट आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ डेली मेंबर्स ऑफ आर इलेक्टेड ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पर डेली गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया है राइट सो आप देख सकते हैं पावर टू कंट्रोल द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी विल बी रिडांडेंड सो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मान लीजिए हमने आर्टिकल 239 एए ए ए में इनको पावर्स दे दी ये एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी अब जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर ही नहीं दे रहे कि सर्विसेज में जो काम करने आए हैं उस पर आपके पावर्स ही नहीं है तो इफेक्टिवली हमने उनको एज सच किया ही नहीं है क्यों क्योंकि जो लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक इलेक्टेड बॉडी है ऑब्वियस सी बात है अगर कोई इलेक्टेड बॉडी है तो उसको ज्यादा पावर्स मिलनी चाहिए सो so, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि यहाँ पर डेली गवर्नमेंट के ज्यादा आपको रोल देखना चाहिए अगर हम कंट्रोल ऑफ द ऑफिसर्स की बात करते हैं

so they can control their officers, right? I hope यहां तक clarity है so it was the verdict of supreme Code. अब हम देख लेते हैं अगर हम hum article 239 नाइन ए ए की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सो so वो क्या कहता है तो आप देख सकते हैं ये एड कब किया गया था यू नो दैट दिट्यूशन सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटी वन टू गिव स्पेशल स्टेटस टू डेली सो अगर हम अमेंडमेंट की बात करते हैं कौन सी अमेंडमेंट है सिक्सटी नाइन अमेडमेंट है यहां पर स्पेशल स्टेटस दिया गया था डेली को So, यहां पर क्या कहा गया है इट असेंबली an एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा एक असेंबली भी होगी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है यहां पर एल और यहां पर गवर्नमेंट कौन चलाएगा लेजिस्लेटिव राइट सो द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली शाल हैव पावर्स टू मेक लॉज इन होल और एनी पार्ट ऑफ एन सिटी विध रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर्स इन दी स्टेट लिस्ट और दी कॉन्ट लिस्ट लेकिन यहां पर एक्सेप्शन किस में है तीन चीजें एक्सेप्ट है लेजिस्लेटिव फंक्शन लिए जाएंगे वो किसके द्वारा लिए जाएंगे दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डेली राइट सो फर्दर दर्टिकल टू थर्टी नाइन ए एल्सो नोट दैट एल जी हेज टू ईदर एक्ट

या फिर अगर कोई वो मैटर रेफरेंस के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजता है तो प्रेसिडेंट ने जो डिसाइड किया है वो एलजी को करना ही पड़ेगा ही इज बाउंड बाय दैट सो अगेन यहां पर दो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं एक है ही शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द अदर हैंड इफ द मैटर इज रेफर्ड टू प्रेजिडेंट हैज टू एक्ट अकॉर्डिंगली राइट प्रेजिडेंट के अकॉर्डिंग ही उसको काम करना पड़ेगा

टसल बात है यहां पर आपको पावर दे रखी है एलजी को भी क्योंकि यहां पर एनी मैटर लिखा गया है राइट right? सो so, यहाँ पर आपको पावर टसल देखने को मिलती है बिटवीन एल जी एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली राइट सो दिस इज द इशू ऑल अबाउट टू थर्टी ए सो हाउ आर दी यूटीज एडमिनिस्टर्ड इन इंडिया सो अगर हम बात करते हैं जो पार्ट एट है जिसमें आर्टिकल टू थर्टी नाइन से लेकर टू फोर्टी वन दैट यूनियन टेरिटरीज ऐसी अगर हम बात करते हैं जो यूटीज हैं वहां पर रूल कौन करता है सो इट इज बाय द प्रेसिडेंट और थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम बाई द एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट इलेक्टेड बट रादर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट सो यहां पर जो प्रेसिडेंट है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या है एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द प्रेसिडेंट So, in some UTs such as Delhi and Puducherry, the administrator holds a significant powers, including the ability to make laws and regulations for the UT. सो so, अगर हम बात करते हैं दिल्ली की और पुडुचेरी की दोनों में ही आपको लेजिस्लेटिव असेंबलीज देखने को मिलती है यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको कुछ पावर्स दे रखी हैं जैसे हमने टू थर्टी में देखा जहां पर यह कहा गया है कि इट कैन रेफर ही कैन रेफर एनी मैटर टू दी प्रेजिडेंट इफ देर इज अन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर दैट राइट सो यहाँ पर अगेन दे हैव एबिलिटी टू मेक लॉज एंड रेगुलेशन फॉर दी

रोल देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेटर का तभी डेली हमेशा ही न्यूज में बना रहता है जहां पर आपको पावर टसल देखने को मिलती है बिटवीन एल एंड डेली राइट सो दिस इज यूटीज सो द जुडिशरी इन यूटीज इज ऑल्सो गवर्न बाई दस्टिट्यूशन एंड द लॉज मेड बाई दार्लियमेंट हाउ एवर इन समूटीज सच एज डेली द हाई कोर्ट हैज वाइडर पावर्स दैन इन अदर यूटीज यूटीज सच एज लक्षदीप सो यहां पर अगर हम डेली की बात करते हैं जो हाई कोर्ट एग्जिस्ट करता है यहां पर वाइडर पावर्स एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए एज कम्पेयर टू अदर ड्यूटीज सो दीज आर समी एग्जाम्पल्स की यूटीज वर्क कैसे करते हैं बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर लेकिन आपको यहाँ पर अगर हम डेली और पुडुचेरी की बात करते हैं यहाँ पर सफिशियंट पावर्स दे रखी हैं एडमिनिस्ट्रेटर को लेकिन अगर हम लक्ष्मीदीप और दादरा नगर हवेली की बात करते हैं तो यहाँ पर एज सच इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर को राइट सो दिस इज दी स्ट्रक्चर डाटा हज बीन गिवन टू आर ड्यूटीज नेक्स्ट स्पेशल फॉर एंड पुडुचेरी की अगर बात करते हैं सो so आप देख सकते हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी इन 1963 एंड डेली इन 1992 एंड जम्मू एंड कश्मीर जो कि आपको देखने को मिलता है 2019 में यहां पर लेजिसलेटिव असेंबली भी होगी और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा सो इट विच इज हेडेड बाय अ

ऑफ एन सिटी ऑफ डेली की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं दैट इज पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड में ठीक है एक्सेप्शन वहां पर है बाकी जो पावर्स हैं वो किसको दे रखी हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज को राइट सो दीज आर दी स्पेशल प्रोविजन ऑफ डेली एंड पुडुचेरी दिस वॉज दी होल टॉपिक जहां पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी हैं और यहां पर गवर्नमेंट ऑफ डेली को यहाँ पर सिग्निफिकेंट पोजिशन प्रोवाइड करी है इन डीलिंग विद ब्यूरोक्रेसी आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है अब हम एक एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी लेफ्टिनेट गवर्नर इन इंडिया फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल टू थर्टी नाइन इज नोन एज द लेफ्टिनेट गवर्नर सेकेंड ओनली जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट इन इंडिया थर्ड है अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल इन यूनियन टेरिटरी ही हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेड अप ऑफ एडवाइजर्स फोर्थ है एलजी हैज टू रिजर्व अ बिल पासड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली डीलिंग विद द सैलरीज एंड अलाउंसस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसीडरेशन सो अगेन जो ये हमारे पास अमेंडमेंट 2022 में उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है सो so आपको ये अटेम्प्ट करना है आपको बताने हैं कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वन एंड फोर टू एंड थ्री वन थ्री फोर और इज इट डी वन टू थ्री फोर सो यहाँ पर इजी सा क्वेश्चन है अगर आपने वो अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ी हो तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं आंसर है इसका सी दैट इज वन थ्री फोर आर करेक्ट सो अगर वन थ्री और फोर की बात करते हैं ये करेक्ट है अगर हम टू की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मिसिंग uh, है यहाँ पर लिखा है ओनली जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट्स इन इंडिया लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं सो तो आप देख सकते हैं जो एनसीटी है यहाँ पर और भी आपको uh, देखने को मिलता है सो so अगेन यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है सो दिस इज दी न से जो कौनसेप्ट बिल्स हैं जो एक्चुअली में इंट्रोड्यूस करे, करे गए थे उस अमेंडमेंट में सो so, अमेंडमेंट में आप देख सकते हैं सो दीज बिल्स आर नंबर वन इन विच दे डिमिनिश दी पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ डेली सेकेंड है दैट इज विच द प्रेजेंट मे डायरेक्ट टू बी रिजर्व थर्ड है डीलिंग विद सैलरीज एंड अलाउंसेज इसलिए जो आपकी स्टेटमेंट फोर है वो करेक्ट हो जाती है सो so, अमेंडमेंट में यही कहा गया था कि अगर कोई सैलरीज अलाउंसेस स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर या फिर मेंबर्स ऑफ असेंबली की बात करते हैं तो यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रिजर्व कर सकता है बिल राइट right? सो so,

So, this is all about the tussle, the power tussle between LG and NCT of Delhi. I hope you like the lecture. Thank you very much.